तो हेलो दोस्तों, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं यार नूब से प्रो कैसे बना जाए। और सीधी सी बात है, मैं मतलब इतना ना ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ ना ज़्यादा बुरा खेलता हूँ, तो मुझे एक बढ़िया सा मैप मिला हुआ है, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें जैसा चाहिए, या वेदर रख सकते हो, तुम पीवीसी सकते हो। तो चलो पहले पीवीपी ही करते। देखो, अगर तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो सीधी सी बात है तुम यहाँ खेल सकते हो, और अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है मेरी तरह तो तुम टेंशन मत लो, उसके लिए भी है। देखो तुम, मैंने सीधा नेदराइट का आर्मर ले लिया, अब यहाँ से तुम्हें जो चाहिए पोशंस ले लो। तो भाई ये पोशन बाहर क्यों गिरे पड़े? ये कौन से वाले पोशन है भाई? ओके, स्प्लैश पोशन ऑफ डिके विदर 2। ओके, इंस्टेंट हेल्थ के तुम पोशन ले सकते हो। तुम्हें जो चाहिए, जो पोशन तुम्हें तुम्हारी फाइट में काम आएंगे ना, वो सारे पोशन यहाँ पड़े। यार मेरे को ये बताओ साहब, कोई पोशन क्यों ऐसे बाहर पड़े, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। पर ठीक है, तुम जैसे पोशन चाहो वैसे यूज़ करो, और पीवी की प्रैक्टिस करके तुम एक खिलाड़ी बन सकते हो। इन भाई साहब को दे दूँ वेदर इफेक्ट का। हाँ वैसे ये यही भाई साहब है जिन्होंने ये मैप क्रिएट किया है। तो चलो हम वापस चलते हैं। तो हम वापस आ चुके हैं, और अब यहाँ चलते हैं अदर टूल्स, मतलब यहाँ तुम्हें बो, एरो, क्रॉस बो, ट्राइडेंट सब मिल जाएगा। और तुम चाहो तो इन सबको एनचैंट भी कर सकते हो, बताता हूँ। ओ, गोल्डन एनचैंटेड एप्पल भी है, ले लो भाई। ओके, 10 आ चुके, 10 काफ़ी है शायद मेरे लिए तो फिलहाल। एक स्ट्रेंथ का पोशन मार लो, रीजन का भी मार लो, एक और स्ट्रेंथ का मार लेते हैं। गोल्डन एंचांटेड एप्पल नहीं चाहिए, टोटम टोटम चाहिए। हाँ, एक बटन दबाते एक टोटम अपने हाथ में। शील्ड शील्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपन एक रख लेते हैं इन केस ज़रूरत पड़ जाए। तो अब यहाँ से भी वापस चलते हैं, मतलब वॉर के लिए तुम्हें जो जो सामान चाहिए वो सब यहाँ 1 मिनट का काम है। तुम आओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, और अब तुम एंचेंट करना है। जैसे मुझे मान लो ये शार्पनेस 5, मैक्स पावर, क्लिक किया एंचेंट। अब मैं इसी तरह अपना पूरा आर्मर भी एंचेंट कर देता हूँ। वेरी इजी, सीखने के लिए वेरी इजी मैप। थॉर्न्स 3 तो मैं अपने आर्मर पे लगाऊंगा ही। यार जब तक मैं ये पूरा एनचान करता हूँ, तुम लोग यार सब्सक्राइब कर दो यार, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूँ तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब कर दो। देखो प्रोटेक्शन 4 भी लग चुका है हमारे आर्मर पे, बस हेलमेट पे लगाए और लग गया। तो बस हम हमारा पूरा आर्मर पहन लेते हैं। अब देखो अनब्रेकिंग और इन सब की ज़रूरत मुझे है नहीं, वो यूं ही होते हैं ऐसे फिलहाल के लिए तो नहीं है। नॉक टेक लगा सकते हैं हम अपनी तलवार पे, फायर एस्पेक्ट टूल लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं। पावर फायर हमने बो तो लिया है नहीं, इस पे लगती है नहीं, तो अब इस साइड को चल जाते हैं क्रॉस बो के लिए। क्विक चार्ज 4, ओके ये लगा दिया। ये मल्टी शॉट चाहिए यार, मैं पिया से नहीं लूँगा। भाई साहब साइड में, हाँ ओके। फ्लेम तो बो के लिए होती है, यार सारी बुक्स मिल जाएगी यार तुम्हें, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब चलते चलो वापस। ओके, पोशंस आ गए, ये हो गया। या अपना चेक पॉइंट मार्क करा लेते हैं, अगर हम मर जाए तो इन्वेंट्री भी ऑन करा लेते हैं, ताकि कहीं और स्पॉन ना आवे, हमारी इन्वेंट्री का सामान घूमेगा नहीं, मतलब वैसे घूमने वाला नहीं, गुम नहीं हो जाएगा ऐसा, कहीं डिस्पॉन नहीं होगा। तो नाइट विजन का पोशन, और पहले हार्ड में चलते हैं। ये है रीजनरेशन, ये है स्ट्रेंथ। ओके,
तो पहले क्या करूँ, इसको क्रॉसबो से थोड़ा लो कर दूँ। देखो वैसे तो ये पीवीपी में आता नहीं है शायद, पर ठीक है भाई, पूरा डायमंड आर्मर वाला ज़ॉम्बी। ये क्या था भाई, सही में मेरी शॉट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी? उसने मुझे मारा नहीं, मेरा आर्मर की हेल्थ कैसे गई भाई, बहुत डैमेज ही नहीं आया। चलो अब वेरी हार्ड में चलते हैं, देखते हैं हम जीत पाते हैं कि नहीं। ये शायद थोड़ा हार्ड हो सकता है भाई, अभी तो बोल ही रहा था हार्ड हो सकता है, पीछे से आके धप्पा। ये क्या है भाई, चलो वापस चलते हैं। इस बार पीछे से आके धप्पा मत करना, आगे से आके धप्पा कर दिया यार। इसको लका छुपी कितना पसंद है यार, कोई समझाओ इसे, धप्पा नहीं करते किसी पे। स्ट्रेंथ का पोशन भी मार के ही जाता हूँ, एक गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल खा लेता हूँ। अब मत मार देना मेरे भाई, अब मुझे तुझे मारना है, अब तो तू गया। चल लेना भाई, बटन ही नहीं दबता है, तब तक पाउच होते हैं क्या आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, साले दौड़ते दौड़ते क्या आ रहा है, तू भी दो शॉट का ही है। चलो भाई ये भी हम मैच जीत चुके सारे पोशन और इन सब के साथ। तो तुम भी यहाँ ऐसे पीवीपी की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और तुम्हारा कोई का दोस्त ना हो तो अकेले भी। गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल, नाइस। अब तुम सोचोगे तुमने गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल क्यों लिए, क्योंकि यार एक और फाइट बाकी है तो उसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। क्यों ना, मैं सोच रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल वाले को भी हराया जाए यार। अब वो पता नहीं मुझे कैसा होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। तो चलो चलते हैं उसको हराने के लिए। 1 2 3 लेट्स गो। भाई ये देखो अलग ही भाई, ओ इधर हूँ मैं, इधर आ, ये छोड़ू। तो भाई पूरा नेदरराइट में भाई, खतरनाक। पास ही जाना पड़ेगा यार उसके पास, वैसे थोड़ा बहुत ऐसा धक धक हो रेला है बाबा, पर कोई नहीं देखते आगे। ओ देख लिया, अब दिखाऊं मैं तेरे को, अब दिखाऊं भाई। ये तो शील्ड की वजह से मैं बचाऊं, और इसने मेरी शील्ड तोड़ दी, और ये 3 शॉट का था प्रोटेक्शन 4 के आर्मर में, और इसने, वैसे मैंने गोल्डन एन्चांटेड एप्पल खाया था तो, पर ठीक है मैंने एक्सट्रीम भी कंप्लीट कर ही दिया है। तो चलो और कुछ ट्राई करते हैं, पीवीपी तो हो चुकी है, तो चलो चलते हैं अभी। इतने सारे यार मैप है, मैं सोच रहा ओ ऑलवेज डे कर लेते पहले, तो एक तो मैप इतने सारे, अपन पार्कोर नहीं, बिल्ड ब्रिज भी नहीं अभी नहीं करना, अपन वाटर ड्रॉप करते हैं। मतलब यहाँ तो शायद MLG या ऐसा कुछ करने का होगा। ओके तो जैसा मुझे लगा था, तो अपन वाटर बकेट लेते हैं, और 256 ऐसा कुछ ब्लॉक्स थे वहां से ट्राई करते हैं। ओ भाई यहाँ पे डायमंड का ब्लॉक लगा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है होगी? थोड़ा मुश्किल है। ठीक है तुमने किसी में कुछ नहीं देखा, और ये मैं यहाँ क्यों आ गया यार? अच्छा हाँ, हमने अपना चेक पॉइंट यहाँ रखा था। ओके ओके तो यहाँ से वापस जाने दो, यहाँ पे अपना रिटर्न टू द सेंटर कर देते हैं अपन। वाटर ड्रॉप ये रखो, सबसे पहले तो अपना चेक पॉइंट इधर कंप्लीट करा लेते हैं, मतलब मरे तो इधर ही आए। वाटर बकेट एक और बार ट्राई करेंगे अपन,
256 ब्लॉक, लेट्स गो, 1 2 3 गो। इस बार हो गई ना तो तुम लोगों को पक्का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हो चुकी है। बैठो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या दिक्कत है तुमको, हो गई। और देखते हैं बैड, ठीक है एक बैड वाली ट्राई करते हैं। वैसे तो बैड यूजुअली 45 ब्लॉक्स के डैमेज से बचाता है, यहाँ पे 45 तो है नहीं, तो अपन 20 ब्लॉक से ही कर लेते हैं। 1 2 3 गो। ओके ये भी हो चुकी है, तो चलो अभी ऊपर चल के देखते हैं और कौन सी MLGs है। भाई बैड वाली तो हो गई, स्लाइम बोट वाली तो अपने से शायद ही हो, लेकिन पहले स्लाइम वाली तो चेक कर ही सकते। 50 ब्लॉक्स मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए मुझसे। ओके कंप्लीट। ओ मैंने ये ब्लॉक क्यों तोड़ दिया यार, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गई थी, तुम सबने देखा है, देखा यार, प्रूफ है यार। अब हनी ब्लॉक, लेट्स ट्राई। हनी ब्लॉक भी शायद हमें 45 से या ऐसे ही कुछ से बचाता है, तो मैं सोच रहा हूँ 50 इसमें ट्राई करके देखे क्या। चलो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है मैंने प्लेस ही नहीं कर पाया था, ये मेरी भूल है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। 50 भाई रुको, पहले इससे नहीं, अब हेबिल से करके देखेंगे अपन। ट्विस्टेड वाइंस, ओके इससे भी कर सकते हैं। 20 50 20, ठीक है तो हेबिल में 20 ब्लॉक से ट्राई करता हूँ हेबिल से। ओके ये भी ठीक है, रहने दो। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। 1 2 3 ओके हो गई। हाफ हार्ट का सिर्फ डैमेज आया है, उतना ऊपर से गिरने से हाफ हार्ट का डैमेज नहीं आता है 20 ब्लॉक गिरने से, वो भी बिना आर्मर के। चलो वापस हम ऊपर आ चुके हैं, तो इस बार सोच रहा हूँ ट्विस्टेड वाइंस से ट्राई करेंगे या हनी ब्लॉक से, तो किससे होती है, हनी ब्लॉक से ही ट्राई करके देखते हैं। भाई इस बार तो मैंने प्लेस कर दिया था यार, ये क्या है, दैट्स चीटिंग यार। ओके लेट्स ट्राई ट्विस्टेड वाइंस विथ 20 ब्लॉक वा। अब लो इस बार हनी ब्लॉक पे गिर पड़ा मैं, चीटिंग चीटिंग, वन मोर ट्राई। वापस ऊपर चलते हैं और इस बार ट्विस्टिंग वाइन से ट्राई करेंगे। अरे 50 ब्लॉक तो सोचना भी नहीं ट्विस्टेड वाइन से। वन टू थ्री गो। ओके कंप्लीट। हाफ हार्ट का डैमेज नहीं है भाई, तो अब ट्राई करते हैं कुछ और चीजें। ट्विस्टेड वाइन हो चुकी है, ये तो मेरे को मालूम है मुझसे होने नहीं वाला। हॉर्स पहले स्पॉन करे क्या करने का भाई, लेकिन ऐसा कर सकता हूँ मैं हॉर्स स्पॉन करके रखूँ नीचे और फिर बाद में वो करने की कोशिश करूँ, ठीक है। सिर्फ 2.5 बचे हैं मेरे पास, पर ये देखो ये हॉर्स कहाँ का भाग रहा है भाई। ठीक है चलो हॉर्स तो वो चला गया, अब बोट वाली मुझे मालूम है होने तो वाली है नहीं, पर फिर भी ट्राई तो करेंगे अपन, क्योंकि जावा में समझो तुम कर भी लो, पर पी में करना हार्ड है, तुम्हें दो बार क्लिक करना पड़ता है, एक बार बोट को ना प्लेस करने का टाइम और ऊपर से बोर्ड के टाइम, इसमें राइट क्लिक नहीं होता है समझे। और मुझे ये MLG सीखनी भी है, ये देखो
मेरी एच पी ऐसे से ही लो थी और मैं इस बार हाफ आर्ट पे बचाऊँ, मतलब ठीक है कह तो नहीं सकते मैंने कर लिया। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ये ली हमने बोट, ये रहे हमारे 20 ब्लॉक। वन टू थ्री गो। क्या गो भाई, मर गया मैं और टाइम पास कर रहा था मैं इधर। रहने दो बोट, बोट रहने दो, थोड़ी हार्ड है वो। और कुछ मतलब, ओहो लावा बकेट ट्राई कर सकते हैं, लावा बकेट भी, लेकिन बोट क्यों ना एक और बार, मतलब मेरा मन कर रहा है बोट फुल एचपी के साथ ट्राई करने का, क्योंकि दोनों बार एचपी मेरी कमी थी। ओके इस बार भी 2.5 आर्ट बचे, मतलब मेरे से हुआ नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। मैं क्या सोच रहा था, वो एक बार लावा बकेट वाली करे क्या, कर लेते चलो ना, ट्राई तो करें होती है कि नहीं अपन से। वन टू एंड गो। ओके मैंने प्लेस करके वापस तुरंत ही उठा लिया, तो ये नहीं गिनाएगा। वापस चलते, वापस चलते। ये देखो मैंने कर दी थी पर मैं जल के मरा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। देखो ऊपर व्लॉग्स बाय क्रेश वेंट अप टू इन अ फ्लेम्स। मैं फॉल डैमेज से नहीं मरा हूँ, अगर मेरे पे फायर रेजिस्टेंस का पोशन लगा होता ना तो आराम से जी मतलब MLG हो जाती। लावा बकेट वाली हो चुकी है सक्सेसफुली एक बार। मुझे पता है वो MLG आती है वो स्लाइम, मतलब वो लगा के उसके बाद वाटर पैक करने की, वो करनी है यार मुझे। 100 ब्लॉक से ट्राई करें। इधर गोल्ड का ब्लॉक है, सही है। चलो भाई नीचे लावा भी पड़ा है, भाई क्लियर तो कर दो इसको। ठीक है अभी तो हुई नहीं। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। 50 ब्लॉक्स, यस 100 नहीं तो 50। ठीक है यहाँ पे कुछ प्लेस नहीं होता यार इस जगह पर, ये सही है, नहीं तो लोग इधर से ही पानी गिरा के नीचे चले जाए। देखो ओके 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 ओके, बस वाटर बकेट हो गई यार, वाटर बकेट और स्लाइम वाली दोनों वाली हो गई। भाई ये लावा पुज्जा भाई, हम पानी नहीं डल रहा है यार। ठीक है चलो। ओ भाई साहब आपने ये पूरा मैप बनाया था है, तो आप भी तो जाके थोड़ी MLG ट्राई करो। अरे वो हमें मालूम है, हम प्रैक्टिस कर सकते हो वाटर डिफरेंट हाइट से। आप भी तो जाओ जाओ ना यार, पूरा मैप बना दिया, जाओ तो खरी यार। ठीक है चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।